भारत माता की। आज हमारे देश के लिए और विशेषकर पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के हमारे बीच में इस वार्ड फंक्शन में हमारे मंत्री ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज आदरणीय राज्य हमारे पंचायत विभाग के हमारे साथी मित्र हमारे राज्य मंत्री आदरणीय कपिल जी और देश भर के अलग अलग प्रदेशों से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रदेशों के मंत्रीगण सेक्रेटरी साहब और यहाँ उपस्थित सभी वार्डी और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है। अभी हमारे इस फंक्शन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हम सबको, और ये पहला प्रयास है आदरणीय मंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से विशेषकर निर्वाचित पंचायत ब्लॉक जिला पंचायतें ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में समाज के अंदर अपने उसे पंचायत इकाई संस्थान निर्वाचित संस्था के अंदर जिस कार्य क्षेत्र में हम काम करते हैं और उसे कार्य क्षेत्र में अपने संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ साथ जनता की भागीदारी और जनता के लिए जो हम काम करते हैं उससे काम में हमारी कितनी हिस्सेदारी होती है, भागीदारी होती है और उसमें से हमारा पार्टिसिपेशन जनता का, और इस आधार पर ये सारे आप देखे होंगे कि इन पुरस्कारों में पंचायत के अंदर ब्लॉक के अंदर जिला परिषदों के अंदर जो निर्वाचित संस्थाएं उनके अपने काम करने के अपने अनुभव और उस अनुभव के आधार पर आज ऐसी ही संस्थाओं को यहां पर आमंत्रित किया है जिनने समाज के अंदर अपने प्रदेश के अंदर अपने संस्था के अंदर उत्कृष्ट कार्य किए। मैं बधाई देना चाहता हूं उन सारे ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिनने अपने उस केंद्र के अंदर एक स्थान बनाया है। अभी आदरणीय मंत्री जी ने स्वागत भाषण के अंदर उल्लेख किया और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गिरिराज जी को, कि फाइनेंस कमीशन की जो राशि है वो उसमें एक प्रकार के दो गुना बढ़ोतरी किया है। ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है और इससे पंचायतों में जब हम काम करते हैं तो वहां की जो जरूरतें मूलभूत सुविधाएं उनको ध्यान में रख करके इस राशि का उपयोग हम करेंगे, उससे विकास को और गति मिलेगी। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं नरेगा के अंदर हमारे एसएचजी हैं, आज देश भर में बहुत बड़ी संख्या में हमारे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं और इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन इस देश के अंदर हुआ है और इसलिए मैं यहाँ उपस्थित उन सभी ऐसे प्रतिनिधियों को एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के इस सफलतम प्रयास से हमारे आदरणीय मंत्री जी ने आज देश के राष्ट्रपति जी को आमंत्रित कर उनके करकमलों से पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम
और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। ऐसे सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिनने उत्कृष्ट काम किया है इस देश के अंदर, अपने अपने राज्यों के अंदर, उन राज्यों के पंचायतों के प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रतिनिधि, हमारे जिला परिषदें, ऐसे सभी ऐसे प्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।